हाँ जी, हुण आपां अज आपणा क्लास टू है रेशो एंड प्रपोर्शन। आपां पहला कर चुके हैं बीरसम, ठीक है जी। अज आपां रेशो एंड प्रपोर्शन कर रहे हैं बच्चे। देखो रेशो एंड प्रपोर्शन जिहड़ा हैगा इहनूं बिल्कुल एक नवें तरीके नाल करवाऊंगा तुहानूं, ठीक है। वैसे बहुत सारे मैथड ने पर आपां स्टार्ट करते हैं जी रेशो एंड प्रपोर्शन। देखो तुहानूं पता होना कि जिवें ए रेशो बी है, यह टू रेशो वन है। सपोज करो कि अपने को लै लिया ए रेशो बी इज इक्वल टू टू रेशो वन। देखो बच्चे प्रपोर्शन मतलब होंगे कि जिते आह जो दो तुम देख रहे होंगे दो बिंदियां ने, ठीक है, ज डॉट ने, यह की है, ये रेशो है, ठीक है। तो यही रेशो है इन मैं ए बटा बी लिख सकता, ठीक है जी। इज इक्वल टू इन मैं दो बटा एक लिख सकता। यह मतलब यही है कि जो ए है वह टू है, जो बी है वह की है वन है, ठीक है जी। जिमें कि अपने को सपोज करो ए रेशो बी, बी रेशो सी, एक रेशो दो, दो रेशो तीन, ठीक है। हुण आपां नूं दित्ता है भी ए रेशो बी एक रेशो दो, बी रेशो सी दो रेशो तीन। तुहानूं फाइंड करना है ए रेशो बी रेशो सी। हुण सानूं इह गल दा पता है कि जे देखो इहचों कॉमन की आ रहा है, इहचों कॉमन हैगा जी बी। जे बी कॉमन है, जिहड़ा कॉमन है उहदी वैल्यू भी मैनूं कॉमन चाहीदी है तां कि मैं सी कढ सकां, ठीक है। हुण देखो जे ए वन है तां बी किन्ना है टू, जे बी टू है तो सी किन्ना है थ्री। इट मीनस ए बी सी की वैल्यू किन्नी हैगी वन रेशो टू रेशो थ्री, ठीक है जी। हुण ध्यान दिओ बच्चे, जे मेरे को एवें हो, जे मेरे को वन रेशो टू थ्री रेशो फाइव इस तरह हो गए, हुण किवें कीता जावे। देखो हुण एवें तां हुंदा नहीं, इस तो पहला सानू पहला इस तो बाद जो स्टैप होगा ए वाला स्टैप होगा फिर ए वाला स्टैप होगा। मतलब सानू इत्थे तक कॉमन दिता गया सीगा बट इत्थे सानू कॉमन नहीं दिता गया, सानू इत्थे कॉमन करना पऊगा। कॉमन करन दे देखो किन्ने वे ने अपने कोल, पहला वे अपने कोल बच्चे कॉमन करन दा ये वे है कि जे ए वन है तो बी किन्ना टू है, नीचे लिख दो। हुण उरे बी किन्ना थ्री है, सी किन्ना फाइव है। हुण देखो जो जिसकी वैल्यू सी मैं उहदे नीचे नीचे लिखता। हुण अपने कोल इक आह चीज़ खाली पई है, जिहड़ा आह खाली पिया इहनूं दो लिख दो, जिहड़ी आह चीज़ खाली पई है उहदे तीन लिख दो, मतलब सामने लिख दो, ठीक है। तो थ्री वन जा थ्री, टू थ्री जा सिक्स, दो पांच दस। देखो मेरे कोल जिहड़ी वैल्यू आई है वह की आई है ए रेशो बी रेशो सी दी आई है थ्री रेशो सिक्स रेशो टेन, ए वाली मेरे कोल वैल्यू आई, ठीक है जी। ये तुसीं पहला भी कीता होना, मैंने लगता तुम पहला भी कर चुके होवोंगे चीज़ का, ठीक है। तो आप अगे फरदर चलते हैं, ठीक है, अगे बढ़ते हैं। आप हूँ देखो एक ये भी होंगे अपने को रेशो बी रेशो सी, एक रेशो दो, तीन रेशो पांच। कई बच्चे ऐ भी करते हैं भी इन्हें यदा मल्टीप्लाई तीन आ गया, फिर इन यदा मल्टीप्लाई छे आ गया, फिर इन यदा मल्टीप्लाई दस आ गया। देखो यदा भी आंसर की आ गया सेम आ गया, इन यदा मल्टीप्लाई फिर इन यदा नाल फिर इन यदा नाल, ठीक है। ये भी एक मैथड अपना है ना। हुण जिहड़ी तुहानूं चीज़ मैं समझाउण लग रहा वो अपना मैथड हुण स्टार्ट होगा, ठीक है। वो मैथड अपना की है तुसीं उह देखो, देखो हुण एक ध्यान दिओ चीज़ का, ए रेशो बी, बी रेशो सी, ठीक है। पूरी आ गया टू रेशो थ्री, फोर रेशो फाइव। मैंने ए रेशो बी रेशो सी कढ़ना, ठीक है। देखो कई बच्चे एवें कढ़ते हैं भी मतलब जिहड़ा आह वाली वैल्यू है इहदे नाल मल्टीप्लाई करना है, ये एट आ गया जी, इहनूं इहदे नाल कर लिया जी, ये ट्वेल्व आ गया जी, फिर इहनूं इहदे नाल कर लिया जी, ये फिफ्टीन आ गया। देखो तो की कंसैप्ट है इस चीज़ का, की कंसैप्ट है ध्यान दिओ, मैं तुहानूं बार बार दस रहा इस चीज़ का की कंसैप्ट है। बच्चे कित्थे अड़ जांदे ने, उरे तां ए रेशो बी आ गया, टू रेशो थ्री आ गया, उरे सी रेशो बी आ गया, उरे फोर मान लो आ गया फाइव रेशो फोर आ गया, ठीक है, एवें आ गया। उल्ट करके पाता तो ए रेशो बी रेशो सी जो भी कटना है तो बच्चे की करते हैं, इन्हें यहाँ मल्टीप्लाई दस आ गया, फिर इन्हें यहाँ पंद्रह आ गया, इन्हें यहाँ बारह आ गया, जो कि है गलत है। क्यों गलत है हुण ध्यान दिओ बच्चे, जो कॉमन करना आपने जोड़ा बी है आ जी बी की वैल्यू है एक कॉमन की कॉमन न मल्टीप्लाई होगी ट्वेल्व आजगा, ठीक है। जो अपने ए फाइंड करना है आह वाला फाइंड करना है तो जो कॉमन इन्हों चो
जो दूजे का कॉमन है उसके नाल मल्टीप्लाई करना है, चार दूनी अठ। जे सी फाइंड करना है तो दूजे के कॉमन ना करना है, फाइव थ्री या फिफ्टीन। जो ना वाला देखो ये क्वेश्चन गलत कि नहीं हो जा, जे अपने बी फाइंड करना सीगा तो बी का बी ना होना चाहिए सीगा, चार की बारह ठीक है, तो इट मीन जो आंसर आऊगा उसे ध्यान दो, तो बी का बी ना आऊगा मतलब चार की बारह, सी का दूजे के कॉमन ना, दूजा कॉमन कह बी तो पाँच की पंद्रह, ए का दूजे के कॉमन ना चार दूनी अठ, आंसर सेम हो गया ना। समझ आया, जिमें कि आप एक क्वेश्चन होर लें तुम शायद समझ आऊगा ठीक है भी मैं की कहना चाह रहा। एक क्वेश्चन होर लें आप, ए रेशो बी, बी रेशो सी, एग्जाम्पल है तीन रेशो पांच सत्त रेशो दो। हूँ इतने बच्चे मैंने ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना ठीक है जी। देखो जो मैं ए फाइंड करना है मैं तुम्हें पहला कह रहा तो पहले जो दूजे के कॉमन नाम दूजे चो कॉमन कहना चाहिए, ए फाइंड करना है तो दूजे के कॉमन नाम सैवन थ्री जा ट्वेंटी वन, बी का कॉमन नाल पैंती, सी कड़ना है तो दूजे के कॉमन नाल पांच दस, आउट आंसर आ गया ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा ठीक है। चलो आप एक नैक्सट मैथड होर करते हैं, जो मेन मैथड है वह अपना हूँ स्टार्ट होगा। हूँ ध्यान दो अपना अपन को क्वेश्चन है ए रेशो बी, बी रेशो सी, ए वन रेशो टू है, ए थ्री रेशो फोर है। सपोज करो अपने कोई क्वेश्चन है ठीक है, तुहाडे कोल उहदे ऑप्शन ने, तुहाडे कोल उहदे ऑप्शन ने ठीक है। हुण देखो ऑप्शन है कि थोड़े कोल ऑप्शन हैगी है, मान लो थ्री रेशो सिक्स रेशो एट, थ्री रेशो सैवन रेशो एट, फोर रेशो सिक्स रेशो टू, थ्री रेशो फाइव रेशो फोर, आज ऑप्शन ने ठीक है। अपने को एग्जाम एवं क्वेश्चन बन के आऊगा ए रेशो बी, बी रेशो सी। हूँ तो हम एक चीज़ का बताना चाहिए कि जोड़ा ए रेशो बी है, देखो आह जो अपन पूछा गया ए रेशो बी रेशो सी आछा गया, तो आह की है ए है, आह की है बी है, और आह की है सी है। आप पता है जो ए बी है वह एक रेशो दो आंसर आऊगा, एक रेशो दो आंसर आऊगा, तो आह की है तीन दूनी छे, एक रेशो दो बन रहे बिल्कुल बन रहे जी, ये मेरा आंसर हो सकता है। की आ बन रहे नहीं बन रहे, की आह बन रहे नहीं बन रहे, तो दो दूनी चार तीन दूनी छे दो तीन बन रहे नहीं जी, आ हो सकता है नहीं हो सकता, तो मेरा आंसर आ गया आ वाला ठीक है। समझ आई तुम्हें चीज़, आई होप तुम दोबारा समझा देना मैं चीज़, ए रेशो बी, बी रेशो सी ठीक है जी, एक रेशो दो तीन रेशो चार। जे मैं ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना, यह बड़ा नवा कंसैप्ट है ध्यान दौ, तो ए रेशो बी की वैल्यू एक रेशो दो दे विच ही आनी है। तो देखो अरे ऑप्शन पई अपने को तीन दूनी छे तीन एकम तीन तीन दूनी छे, एक रेशो दो चार ऑप्शन आ रही है अपने को, मेरा आंसर हो सकता है तीन सौ सत्त नहीं जी, अपना आंसर तो एक रेशो दो चाहिए, ये तो बन नहीं रहा, यह बन रहा है नहीं बन रहा जी, तो दो रेशो तीन बन रहा, यह बन रहा नहीं जी, नहीं बन रहा, इस करके अपना आंसर क्या होगा, ये अपना आंसर होगा ठीक है जी। एक क्वेश्चन आप होर कर लेना, तुम होर समझ आ जाऊगा थोड़ा जहाँ डिटेल ठीक है जी। ए रेशो बी, बी रेशो सी ठीक है जी, टू रेशो थ्री, फाइव रेशो सैवन। हूँ अपने को ऑप्शन आ गई, ए ऑप्शन आ गई अपने को दस रेशो पंद्रह रेशो इक्की ठीक है, बी ऑप्शन आ गई अपने को दस रेशो बारह रेशो अठारह, सी ऑप्शन आ गई अपने को दस रेशो ग्यारह रेशो सतारह, डी ऑप्शन आ गई अपने को दस रेशो पंद्रह रेशो सोलह। हूँ देखो साढ़े को ऑप्शन पे ठीक है, इन्हें कि फाइंड करना, हूँ आपको पता लग गया आप एग्जामिनर की कह रहे हैं ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करो। हूँ ध्यान दो आपने कुछ नहीं करना, कोई मैथड पहले वाले नहीं करने, ए रेशो बी आ की है मेरे लिए ए है, आ मेरे लिए बी है, और आ मेरे लिए की है सी है ठीक है जी। ए कितना टू रेशो थ्री है, देखो दो पाँच दस तीन पाँच पंद्रह, सब तो स्मॉलेस्ट वैल्यू अपनी की है टू रेशो थ्री चाहिए, तो यह मेरा आंसर हो सकता है कि आ बनता है नहीं बनता, क्यों नहीं बनता जी, ये पांच दूनी दस छे दूनी बारह, पांच इंसू छे बनता है, ये ऑप्शन नहीं है मेरा, दो इंसू तीन चाहिए मैं, ये बनता है नहीं बनता, दस इंसू ग्यारह ये बनता है हाँ जी ये बनता है। कई बच्चे दिमाग चो बस दो बन जाते हैं फिर, देखो जो ये बनता फिर ये देख लो ये कितना फाइव इंसू सैवन है अपने को, फाइव सैवन बनता है बिल्कुल भी नहीं बनता, आंसर खत्म, ये अपना फाइव सैवन बनता है, पांच तीए पंद्रह सत्त तीए इक्की बन गया सैवन ठीक है जी। आई होप तुम्हें चीज समझ आई होगी ठीक है ना।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ 99% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਾ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਿਭਰਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਰੇਸ਼ੋ ਬੀ, ਟੂ ਰੇਸ਼ੋ ਥ੍ਰੀ, ਬੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ, ਫਾਈਵ ਰੇਸ਼ੋ ਸੈਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਆਪਣੇ ਆਂਸਰ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਐਸ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏ ਬੀ ਜੇ ਟੂ ਰੇਸ਼ੋ ਥ੍ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਏ ਰੇਸ਼ੋ ਬੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਏ ਹੈ, ਇਹ ਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੰਜ ਦਸ, ਤਿੰਨ ਪੰਜ ਪੰਦਰਾਂ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਟੂ ਰੇਸ਼ੋ ਥ੍ਰੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਦੂਣੀ ਦਸ, ਛੇ ਦੂਣੀ ਬਾਰਾਂ, ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੰਜ ਰੇਸ਼ੋ ਛੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜ ਰੇਸ਼ੋ ਸੱਤ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋ ਰੇਸ਼ੋ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਪੈਨ। ਇਹ ਵਿਦਾਊਟ ਪੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਰੇਸ਼ੋ ਤਿੰਨ ਆ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਾਊਟ ਪੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਨਸੈਪਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਨਸੈਪਟ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਏ ਰੇਸ਼ੋ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਮਦਰ, ਕਲਾਸ ਏ ਕਲਾਸ ਬੀ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏ ਹੈ, ਇਹ ਏ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਦੀ, ਬੀ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਏਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੀ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਵੈਲਿਊਜ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਜ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 5:2। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ, ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਬੀ ਦੀ ਏਜ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲੈਸਟ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਲੈਸਟ ਟਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਲੈਸਟ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਰੇਸ਼ੋਜ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੰਬਰ। ਜੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਅਤੇ 20 ਹੈ, ਇਹ 5:2 ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਏਜ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਦਾ, ਇਹ 70 ਬਣਾਵਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਏਜ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, 30 ਸਾਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਵੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 7। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ 10 ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ 10 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ, 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 3। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ, 10 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਮਲਟੀਪਲ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮਲਟੀਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਰੂਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਲੇ।
सेम वेरी आस इट इज सेम अपने को मल्टीप्लाई सेम वाले ने एक अपने को डिफरेंट डिफरेंट वाले ने जेडे सेम वाले ने उन्हां च की है प्लस प्लस भी है माइनस माइनस भी है प्लस माइनस भी है जेडे डिफरेंट वाले ने उन्हां च तुसीं देख लो प्लस प्लस भी डिफरेंट आ सकदा माइनस माइनस भी आ सकदा प्लस माइनस भी डिफरेंट आ सकदा ठीक है ये अपने को सेम वाले ने या डिफरेंट वाले ने ठीक है हुण आपां अगे नूं थोड़ा जिहा फर्दर करदे हां ठीक है हुण अगर आपणे कोल कोई नंबर आवे ठीक है ए रेशो बी कोई नंबर है ए कोई वैल्यू रियल प्लस हो रही है ठीक है पूरे अपने को रेशो बन जाती है एक तो अपने को टाइप ए है ए है अपने को फर्स्ट टाइप ठीक है कोई रेशो है जिस दो चीज़ा की आ रही ने दो सेम सेम नहीं ठीक है रेशो बन रही है दूजा की है मेरे को टाइप ए रेशो बी है जिस दो चीज़ा की ने यह भी दो चीज़ा की ने सेम ने पूरे सी रेशो डी बन रही है ये अपने को सैकेंड टाइप है एक अपने को थर्ड टाइप है जिद की है ए रेशो बी है और सी रेशो डी बन रही है एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा पर ये भी की हो रहे हैं सेम हो रहे हैं ठीक है उरे दो प्लस प्लस के वैल्यूज ने ये भी सेम ने उरे दो माइनस के वैल्यू ने ये भी सेम ने उरे प्लस माइनस है या माइनस प्लस है ये भी सेम है तो ये अपने को तीन टाइप ने ठीक है तिना जो चीज़ बढ़ रही है ज घट रही है ज एक बढ़ रही है एक घट रही है वह चीज़ें कि सेम ने आप एग्जाम्पल करते हैं अभी ठीक है आप करते हैं एग्जाम्पल करते हैं ठीक है हाँ जी राजे अपने को क्वेश्चन है जिस क्लास है ए रेश ए ते क्लास बी दो क्लासा ने अपने को ठीक है एक क्लास ए है एक क्लास बी है जिसकी रेशो 3:4 है हुण ए मेरे को वैल्यू है यह मेरे को रेशो है ये रेशो है ठीक है जी तो ये पांच हरेक दोवे पांच ऐड हो रहे हैं मतलब ये भी पांच कैंडिडेट कैंडिडेट्स ने एडमिशन ली है ये भी पांच एडमिशन हुई हैं ठीक है मतलब दोवे जी एडमिशन ने दोवे प्लस हो रहे हैं सेम है नंबर की है मेरे को सेम हो रहा है यह पहली टाइप अपनी ठीक है तो रेशो भी कम कि नहीं हो रही है 4:5 हो रही है ठीक है हूँ अपने को ऑप्शन अपने फाइंड की करना है आपने जो फाइंड करना है कि दोवे क्लास ने उन्होंने वैल्यू कि दोवे क्लास की जी वैल्यू है वह कि पहला वाली फॉर्मर वाली वैल्यू कि प्रीवियस वाली वैल्यू कि आफ्टर वाली ये होंगे प्रीवियस वाली ठीक है हूँ आप पिछले करके हटे हाँ कि जी वैल्यू होंगी है वह सेम आऊगा मतलब देखो हूँ ए ते बी दी जिहड़ी वैल्यू है रियल वैल्यू है वह आह भी हो सकती है आह भी हो सकती है आह भी पर आप हमने करके आने कि जो दोनों का प्लस कर दिए ये 7 आ गया तो जिहड़ी वैल्यू 7 से कट रही है वह भी मेरा आंसर है दूर की 7 से कट रही है ये सारे चेक कर लो बस जिते 7 से कट रही है नहीं ये कट रही है जैस ये कट रही है नहीं ये कट रही है जैस हूँ दो ऑप्शन हो सकते हैं मेरे को दो ऑप्शन हो सकते हैं देखो वैसे तो जे मान लो सपोज करो एच 44 हों फिर तो यह ऑप्शन भी कट जाती अपना आंसर आ जाता 35 मेरा आंसर आ जाता कि दोवों की जी क्लास की टोटल जी वैल्यू है कैंडिडेट्स की कितनी है 35 है पर लेकिन उड़े की आ गया उड़े 42 आ गया हूँ ठीक है हूँ यह भी कट रही है हूँ आप चेक करना है कि जे उड़े कट रही है तो उड़े की है तकसीम डिवाइड 9 ना कटूगी वैल्यू तो बिच प्लस किन्ने हो 10 प्लस हो रियल वैल्यू है यह भी रियल वैल्यू है रियल च रियल एड हो सकती है जे अपनी आ वैल्यू कट रही है ये 35-10 जोड़िए तो किन्ने बनते 45 दैट मीनस 9 तो कट रहे हैं तो यह वैल्यू हैगी है जे 42 हो सकता और तो 42-10 कि बन जूगा 52 तो 52 तो 9 से नहीं कट रहा तो 52 जो 9 से नहीं कट रहा इसलिए यह वैल्यू की मेरी नहीं हो सकती तो देखो कि मतलब बाय ऑप्शन आप कर सकते हैं ठीक है ना और कि अच्छा आंसर आ रहा अपना आ रहा ठीक है कि आपने इस कंसैप्ट किया कि प्लस करके 7 आ रहा और 7 बढ़ूगा क्योंकि आप पिछले इस कंसैप्ट आप कर चुके हैं कि जो प्लस करके और माइनस करके और सिंगल सिंगल का ठीक है तो वो दोबारा तुम देख सकते हो ठीक है पॉज करके वीडियो कि किमें आप ठीक है हूँ आप इस अगे फरदर करते हैं ठीक है अगे फरदर की अपने को देखो हूँ आप जी बेसिकली लैके बेसिक लैके चली सारा है ना मैं तो बेसिक लैके चला सारा ठीक है बेसिक की है बच्चे मैनू ये पता है कि 3 से 4 किन्ने पार्ट बधे ने एक पार्ट 4 से 5 किन्ने पार्ट बधे ने एक पार्ट तो एक पार्ट की वैल्यू कि 5 है जे एक पार्ट की वैल्यू 5 तो 3 पार्ट की वैल्यू कि आ गई टोटल रियल वैल्यू कि आ गई 15 यही कि आ गई 5 × 4 = 20 तो देखो बन गया ना 35 यह अपने को सारिया की ने रियल वैल्यू ने ठीक है तो 15 × 5 = 20 तो आ की बन गई मेरे को 20 आ की बन गई मेरे को 25 तो आ भी मेरे को आ गई रियल वैल्यू आ गई तुम आ भी कट सकते हैं असं आ भी कट सकते हैं ये अपना बेसिक सीगा वो अपना बाय ऑप्शन है ठीक है तो इस तरीके समझ आया होगा फर्स्ट टाइप है अपनी जब आप प्लस करते हैं ठीक है
जब प्लस करते हैं तो अपनी फर्स्ट टाइप है। मैं अगे इस नाल दे क्वेश्चन होर भी लेके आऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं कंसेप्ट नूं रीड कीता है कि जे प्लस वाले आउंदे तां किवें करना है, माइनस वाले आउंदे तां किवें करना है, ठीक है। जे माइनस वाले आउंदे आ तां भी इक फार्मूला चलूगा, ठीक है। अगर प्लस माइनस वाले तां भी फार्मूला चलूगा। हुण आपां इक प्लस वाले दा पता करवा दे, माइनस वाले तुसीं करो, आपां इक प्लस और माइनस वाले करदे आं, ठीक है। देखो बच्चे, हुण आपणा इह थर्ड कंसैप्ट है, तुहानूं मैं फस्ट कंसैप्ट प्लस वाला और सैकेंड कंसैप्ट तुहानूं करन कहा सी माइनस वाला, इह थर्ड कंसैप्ट करना प्लस और माइनस वाला, ठीक है। हुण देखो उहे वी नंबर सेम ने, आपां सेम सेम वाला कर रहे हैं, ठीक है। ए नंबर दे सेम है कि ने अपने कोल, ठीक है। 50 बढ़ रहे ने, 50 घट रहे ने। हुण तुसीं इक चीज़ देखो, मैं तुहानूं पहला कंसैप्ट करवाउणा है, पहले करी नहीं मैं मतलब फस्ट मैथड किया है। देखो इहदा पहला मैथड मेरा इह है, इह रेशो है, ठीक है। इह रेशो है, अगर मैं रियल बनाना है तो 3x बन जाऊ, रियल बन गया नंबर। जे अपन एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाए तो यह रियल नंबर बन गया अपना, ठीक है। ये की है मेरे को 7x, ठीक है। 50 की ने बढ़ रहे हैं, 50 की ने प्लस हो रहे हैं, तो रेशो कितनी आ गई, 1:3। तो मैं देखो अब कि बनाऊंगा, 3x माइनस 50 घट रहे हैं, 7x इस 50 ऐड हो रहे हैं, ये आ गई 1/3। आ वैल्यू आ गई अपने को, ठीक है। इतों आप एक्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू जो फाइंड हो जूगी तो असं एक्स पुट कर देते, तो बॉयज़ भी आ जाएंगे, तो गर्ल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। हूँ ये तो मेरा पहला मैथड, ये मैथड है बेसिक, ये मैथड जी अपना बेसिक बिल्कुल, ठीक है। 3x-50 7x+50 इज इक्वल टू रेशो कितनी बन गई, 1/3, ठीक है। पर लेकिन आप मैथड नहीं करना है, ठीक है। आप सैकेंड मैथड देखो कि हूँ जो मैं गल करा सैकेंड मैथड की, वह कि सैकेंड मैथड बच्चे ये है कि देखो हूँ पूरे क्लास के टोटल नंबर जिन्हें होने जे 50 घटे ने 50 बधे ने तो नंबर का ना कोई ना घटे ना बधे है, ठीक है ना। देखो तो 50 चले गए, आ 50 वापस आ गए, तो जी स्ट्रेंथ उरे चाहिए है वही स्ट्रेंथ उरे चाहिए है। देखो ये किन्ने पार्ट बनते हैं, 10 पार्ट, ये किन्ने बनते हैं, 4 पार्ट। इट मीनस गड़बड़ है, तो आप रेशन की करा बैलेंस करा, रेशन की करा आप बैलेंस करा, कि ध्यान दो 3:7 में आप गुणा करा 4 नाल, और 1:3 गुणा करा आप 10 नाल। देखो 4 × 3 = 12, 7 × 4 = 28, 10 × 10 = 30 आ बन गया। हूँ देखो उरे 50 घटे ने, उरे किन्ने घटे ने, 2 घटे ने। उरे 50 बधे ने, उरे किन्ने बधे ने, 2 पार्ट बधे ने। तो आपको पता लग गया भी 2 पार्ट की वैल्यू है वो कितनी है, 50 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो आप इन गुणा करा 25 के नाल अपने को गर्ल्स निकले आनी है, आप इन गुणा करेंगे 25 के नाल अपने को बॉयज निकले आने, ठीक है। उड़े अपने गर्ल्स निकले आनी है, की गल समझ आई तुम्हें मेरी, ये कि यह की है, यू कहने बैलेंस करना, यह की है बैलेंस मैथड, ठीक है। अपन की करते हैं बैलेंस कर रहे हैं रेशो, ठीक है। लेकिन आपने थर्ड मैथड स्टैप, हम आप थर्ड पर जाना है बाय ऑप्शन से। देखो थर्ड मैथड की है, जो मेन मैथड है थर्ड मैथड, वो की है ध्यान दो राजे, 7 है अपन गलत फाइंड करने को कहा है, ये 7 है तो 7 में मल्टीप्लाई होगा। मैं तुम्हें पहला कराया सी चीज है ना, कराई से मतलब पहले याद होगी कि जरा रियल वैल्यू होगी वो यदा मल्टीपल होगा, जरा रियल वैल्यू होगी वो यदा मल्टीपल होगा, ठीक है। मतलब रेशो का मल्टीपल होंगे कोई रियल वैल्यू, ठीक है। तो यदा कि मल्टीपल होगा एक्स या कुछ भी ला लो, एक्स ला लो, पी ला लो, है ना, कुछ भी ला लो जिसे रियल वैल्यू बन गई, ठीक है। कि होगा यह जिसे कटूगा, जिसे कैंसल होगा। देखो 7 700 से कट दें, यस, ये कट दें, नहीं ये कट दें, नहीं ये कट दें, नहीं, तो मेरा आंसर की आएगा 700 वाला। देखो विद इन सैकेंड मेरा आंसर आ गया, तो यह की है, ये आप बाय ऑप्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये बाय ऑप्शन मैथड है, इन आप इन्हें करते हैं, ठीक है। नैक्सट मैथड देखो, हम कई बच्चे कहेंगे कि सर उसे 700 आ गया, जो सर उसे 1400 आ जाता फिर। देखो हूँ देखो जे 7 का मल्टीपल ये कटता है, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये कट रहा, 2 तो कट रहा अपने को, ठीक है। 2 नंबर आ गए, हूँ आप दोवों किए क्लिक करा कि देखो उसे मान लो मैं 700 मानता कि मेरे को 700 आ गया गर्ल्स, ठीक है। 700 से गर्ल्स कि ऐड हुई ने 50, तो कि बन गई 750 बन गई, 750 जी है नहीं, कितने से कट दें, बिल्कुल कट दें ने जी, 250 आ गया, बिल्कुल कट रही हैं। जे मैं 1400 लेके चलदा, मेरे 1400 आ गया, इस मैं 50 ऐड करदा तो किन्ने बन गए, 1450 बन गए, इतने ये 3 से कट दी। देखो 3 × 4 = 12, 25, 3 × 4 = 12,
ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਆ ਗਿਆ, 8 ਤੇ 24 10 ਆ ਗਿਆ, 3 ਤੇ 9 0.33 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਿੰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਆਨਸਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਰੀ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿ 7 ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, 7 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸੀਂ ਆਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਜਿਸੀਂ ਆਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ 'ਚ 50 ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ 'ਚ 50 ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ। ਮਾਮਲੇ 2 ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿ ਆਨਸਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨੇ, ਰੀਅਲ 'ਚ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ SSC ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, 17 ਦਾ ਮੇਨਸ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਮੇਨਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ SSC ਦੇ 17 ਮੇਨਸ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 30 ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਟੀ ਹੈਡ ਕੈਂਡੀਜ ਐਂਡ ਚਿੰਗਮ ਇਜ ਪੋਕਟ ਇਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ 7:13 ਆਫਟਰ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਈਟਨ 8 ਕੈਂਡੀਜ ਐਂਡ 11 ਚਿੰਗਮਸ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਬਿਕਮ 1:2 ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕੈਂਡੀਜ ਡਸ ਹੀ ਹੈਵ ਵਾਸ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਡੀਜ ਅਤੇ ਚਿੰਗਮ ਸੀਆਂ, ਕੈਂਡੀਜ ਅਤੇ ਗਮ ਸੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਆਂ, 7:13 ਸੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੇ 8 ਖਾ ਲਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, 11 ਚਿੰਗਮ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹੇਗੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ, 1:2 ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਰਜੇ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੇਕਰ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੰਸੈਪਟ ਲੱਗੂਗੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲੱਗੂਗਾ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਲੱਗੂਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗਾ, ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਦੇਖੋ, ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਸਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 7x ਹੈ ਟੋਟਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਂਡੀ ਸੀਆਂ, ਉਹ 'ਚੋਂ 8 ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੋਟਲ ਗਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਆਂ, 13x ਸੀਆਂ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, 11। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, 1:2। ਦੇਖੋ ਆਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ। ਐਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਐਕਸ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸ ਪੁੱਟ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, 7 ਲਿਖਣਾ, 13 ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਦੂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਇਹ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਨੇ, 8 ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 11 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 8 ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 11 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਂਡੀ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 14, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 13, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 16, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 11, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5। ਤਾਂ 1 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 5। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 5 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 7×5=35। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਆਹ 2 ਬਸ, ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, 35 ਆ ਗਿਆ, 35 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੰਗਮ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, 8 ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਬਚੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹ 27 ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਜ ਨੇ 8 ਕੈਂਡੀਜ ਇਹ ਲਿਖਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, 7×14 13×1=13 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ 8×16 ਇਹਨੂੰ 11×11 16×11=5, ਇਹ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ 1 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 5। ਜੇ 1 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਲੱਗਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਣੀ ਲੱਗੂਗੀ। 7×5=35, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 13×5=35।
ठीक है जी, अपन दो वैल्यू निकलनी सिर्फ इस नाल, ठीक है। उस तो बाद जी रियल वैल्यू आ गई 35 चो 8 की गई कैंडियां खा ले गई बचे कि 27 तक वन पार दे वैल्यू कि आ गई 27 आ गई, तो 27 अपना जो आंसर आ गया, ठीक है जी। ये अपनी क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। इसे इस क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट के होर भी बहुत सन आप करा हूँ अगे, ठीक है। लेकिन हम बाय ऑप्शन देखो, बाय ऑप्शन की है, जो बाय ऑप्शन है वो यह है, ये कैंडीज है, यह गम्स है, ये 7:13 8 खा ली गई 11 खा ली गई 1:2। हुण ध्यान दिओ जिहड़ी आहा वैल्यू है, जिहड़ियां आहा वैल्यूज ने आपां नूं इह पुछया गया कि हाउ मैनी कैंडीज, किन्नियां कैंडी बच चुकियां, मतलब आहा वैल्यू जिहड़ी हैगी जद आ हो सकदी है जां आ हो सकदी है जां आ हो सकदी है जां आ हो सकदी है, इहनां चारां विच्चों कोई इक वैल्यू हो सकदी है, ठीक है। जे जे मैं इह मन्नां कि इह 65 है, जे मैं मन्नां कि इह 65 है इस केस दे विच, तां 8 प्लस कर दो तां उह पहलां किन्नियां होणगीआं, 73 होणगीआं इस केस दे विच। जे उहदे 65 ने इह तां 8 चीज़ां प्लस करो तां उहदे किन्नियां होणगीआं, 73 होणगीआं, मतलब ओरिजिनली किन्नियां सी उहदे 73 सीआं, कि 73 नूं 7 नाल वंडिया जा सकदा, बिल्कुल नहीं, तां इह आंसर नहीं हो सकदा। जे पहलां 27 सीआं, जे उहदे 27 सीआं उहदे किन्नियां होणगीआं, 8 प्लस कर दो किन्नियां होणगीआं, 35 होणगीआं, ओरिजिनल वैल्यू किन्नी है 35 सीगी, तां 7 ते वंडी जा सकदी है, बिल्कुल वंडी जा सकदी है, तां इट मीनस 27 मेरा की है आंसर है, ठीक है। इस तरीके कर सकते हैं, 35 है, 35 से 8 47 है नहीं बनया सकता, 54 62 नहीं बनया सकता, ठीक है। इस तरीके से बाय ऑप्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा फिर दस दा कि बाय ऑप्शन किवें करना है। देखो जिहड़ियां आहा वैल्यूज ने यह सारियां आह वैल्यूज ने, ठीक है। इन्हां विच 8 कि खाधी गई ने, जिवें ओरिजिनली देखा कि 7 डिवाइड हो रही ने, तुसीं ध्यान दिओ कि जे 65 है उहदे 8 है 73 आजूगा, तां इहदी ओरिजिनल वैल्यू किन्नी आजूगी, 73 आजूगी, इहदी ओरिजिनल वैल्यू किन्नी आजूगी, 35 आजूगी, इहदी किन्नी आजूगी, 43 आजूगी, इहदी किन्नी आजूगी, 62 आजूगी। इह 7 डिवाइड हो रहे हैं नहीं हो रहा, यह हो रहा है, जैस ए हो रहा है नहीं हो रहा, यह हो रहा है नहीं हो रहा, तो आंसर की आ गया कोई 27-35, ठीक है। आई होप तुहानूं इह चीज़ समझ आई होएगी, यह बाय ऑप्शन सीगा, ठीक है। मेरे को सारे एफर्ट किए जा रहे हैं तुहानूं समझाउण दे लई, ठीक है। तुहानूं बेसिक भी कराया जा रहा है, तुहानूं क्रॉस प्रोडक्ट भी करवाई जा रही है, तुहानूं बाय ऑप्शन भी कम करवाया जा रहा है, ठीक है। इस तो अगे आप हूँ होर सारे क्वेश्चन टाइप्स लैके आवेंगे, ठीक है। जिस तरीके उन्हें घट्टो घट 3-3 या 3-4 तो मतलब जो मैथड करवाऊँगा, उस तो बाद फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन पंजाब के लैके आवेंगे, ठीक है।